हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाया हूं। इनका यूज करके आप क्वेश्चंस को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर ट्रिक्स अच्छे ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर देना, नो प्रॉब्लम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। और उसके बाद अगर हमें पूछा जाए कि इस सब का सम निकालिए, तो फर्स्ट 5 नंबर का सम निकालने के लिए हम बीच में प्लस डाल देंगे। तो प्लस डालने पर इन सब का सम करेंगे हम, तो सम करके हम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। और इसका हम सम निकाल लेंगे, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 हो गया, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, ये तो हम 15 निकाल लेंगे। लेकिन इससे अगर बड़ा नंबर पूछा जाए, मान लो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं काउंट करके। हाँ, टाइम लगेगा लेकिन हम निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा नेचुरल नंबर्स का पूछा जाए, मान लो कि n नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो 20, 30, 100, 200, 1 लाख कुछ भी हो सकता है, तो इतने नंबर्स का सम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी टाइम को बचाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी, इस एग्जांपल में हमने देखा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का अगर हम सम करें तो 15 आता है। आइए इसी चीज को प्रूफ करते हैं। अब अगर हम लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते हैं हम, तो इसका आंसर आता है 15। वो तो हमें पता है, लेकिन इसको हमने अगर ट्रिक से करना है, बहुत जल्दी से इसको हमने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये टोटल नंबर्स कितने, यानी कि n कितना है, n है हमारे पास 5, क्योंकि टोटल नंबर 5 हैं तो हमारे पास n 5 है। तो इसको जब हम सम लेंगे, जब इसका हम सम करेंगे, तो सम होगा इसका n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपान 2। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, n देखिए, n तो हमारे पास 5 आ गया, तो हम लिखेंगे इसको 5 into ये n प्लस 1 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 × 3 = 15। यही तो हमारा आंसर था, पहले भी तो हमने सॉल्व करके यही आंसर निकाला ना। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम 15 है, तो 15 हमने प्रूफ भी कर दिया इस फॉर्मूला का यूज़ करके। याद रखिए कि जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का हो, तो n की जगह 20 लिख लीजिए। अगर फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए, तो 1 + 2 + 3 + 4 so on up to 30, तो यहाँ तक सम निकाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस ट्रिक का वहाँ पर यूज़ कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 करके, और n की वैल्यू क्या होगी, जितने भी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स पूछे जाएंगे, 20 हैं तो 20 आएगा, 50 हैं तो n की जगह 50 आप लिखेंगे। आई होप कि फर्स्ट ट्रिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं n, टोटल n नेचुरल नंबर्स हैं, वो n कुछ भी हो सकता है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वो 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर अगर हमारे पास n है, उन सारे नंबर्स का अगर हम स्क्वेयर करें, पहले सब नंबर का स्क्वेयर किया और उसके बाद उनका सम करें, तो आंसर कितना आता है। अगर हमें 4 नेचुरल नंबर्स दे दिए जाएं और उनका स्क्वेयर करके हमसे पूछा जाए कि इनका स्क्वेयर करके सम करो, तो कितना आंसर आएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं। हम आसानी से कैसे, देखिए हम करेंगे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का, 1, 2, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, ये सब का स्क्वेयर कर दिया और इसका सम पूछा गया, तो सम हम करेंगे, आंसर आएगा 1 का स्क्वेयर होता है 1, 2 का स्क्वेयर होता है 4, 3 का स्क्वेयर होता है 9 और 4 का स्क्वेयर होता है 16। तो इन सबको हम जब सम करेंगे, 4 + 1 = 5, 5 और 9 = 14 हो गया, 14 और 16 होता है टोटल 30। अब ऐसे तो 30 आ गया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 30। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर के स्क्वेयर करने पर जब हमने सम लिया, तो टोटल आंसर आया 30। ट्रिक का यूज़ करके हम इसको करते हैं, इसमें तो टाइम लग गया ना, तो अब हम ट्रिक का यूज़ करके करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल नंबर कितने हैं, 4, यानी कि n 4 होगा। तो ट्रिक क्या है कि अगर n नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर करके सम लोगे, तो आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का अगर करोगे, तो n की जगह 4 लिखो, n की जगह 4 लिखा तो आया 4, आगे n प्लस 1 यानी कि 4 + 1 = 5 आ गया, उसके बाद 2n + 1 = 2n, n कितना, n तो हमारे पास 4 है, 2 × 4 = 8 + 1 वो हो गया 9 डिवाइडेड बाय 6, ये 4, 2 × 2 = 4 हो गया और 3 × 2 = 6। अब 2 × 4 = 3 × 2 = 6 और इस 3 से 9 को काट लेंगे। अब 2 × 5 × 3 = 5 × 10 = 30, तो ये 30 आंसर आ गया।
यही तो हमने पहले भी लिखा था और ये प्रूफ हो गया। मतलब कि जब हमारे पास n नेचुरल नंबर्स हों उनका स्क्वेयर करें और उसके बाद हमें पूछा जाए कि इसका सम करने पर कितना आंसर आता है, तो हम उसको n की जगह वही नंबर लिखेंगे जितने नंबर्स का सम पूछा गया हो, जितने नेचुरल नंबर्स का। मान लो 10 नेचुरल नंबर्स का पूछा गया तो n की जगह 10, अगर 20 का पूछा गया तो n की जगह 20, और 100 नंबर्स का भी अगर सम पूछा जाए, 100 नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर करके अगर सम करो तो कितना आंसर आता है, तो वो आप n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 करके निकाल सकते हो। ये था ट्रिक नंबर 2। अब तीसरा ट्रिक क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अगर हमें इवन नंबर दिए जाए, इवन नंबर हमें पता है 2 के मल्टीपल्स, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, इस सब का सम करने पर कितना आंसर आता है, ये कितने हैं टोटल इवन नंबर्स, टोटल 4 इवन नंबर्स हैं, तो टोटल 4 इवन नंबर्स, इसका मतलब हमारे पास n 4 है, तो n 4 है, जब इवन नंबर्स n इवन नंबर्स का सम करो तो आंसर क्या आता है, हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना हुआ, 4 टू 6 6 6 12, 12 और 8 20। अब ट्रिक का यूज करके हम इसको करते हैं, n कितना है, n है हमारे पास 4, n कितना दिया है, n हमारे पास 4 है, यहाँ पर इवन नंबर्स हैं, सो 2 4 6 8 चार नंबर लेते हैं और इनका सम देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि इसका आंसर आया था 20, अब यहाँ पर देखते हैं n अगर 4 है हमारे पास तो हम इसको लिखेंगे ट्रिक के हिसाब से n इंटू n प्लस 1 करेंगे। अब ट्रिक का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे n इंटू n प्लस 1, n क्या है टोटल नंबर, टोटल इवन नंबर कितने हैं 2 4 6 8, 4 नंबर्स हैं हमारे पास, तो यह आएगा 4 इंटू यहाँ पे n कितना है 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 होता है 5 और 5 4 से 20, अब यहाँ पर हमारे पास आंसर 20, और यही तो पहले भी हमने निकाला 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ऐसे ही पूछा जाए अगर कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम निकालिए, फर्स्ट 50 इवन नंबर लिखने के बजाय हम क्या करेंगे कि n की जगह 50 डालकर n इंटू n प्लस 1 यानी कि 50 इंटू 51 उसका जितना आंसर आएगा वो हम बता देंगे। तो इस तरह से ये था ट्रिक नंबर 3 कि अगर आपके पास n इवन नंबर हो तो उसका अगर सम करना पूछा जाए तो आप करेंगे n इंटू n प्लस 1। अब ट्रिक नंबर 4 और ये लास्ट ट्रिक है, मैं आपको बता दूं कि अगर n ऑड नंबर्स, अब इवन बताया तो ऑड नंबर का सम करने पर क्या आता है, 5 ऑड नंबर्स का सम करें और उसके बाद उसको ट्रिक से भी करेंगे। देखिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, अब इसका सम करने पर कितना आंसर आता है, इनका हमने सम कर दिया तो ये आएगा 3 प्लस 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, तो इसका आंसर आया 25। अब इसको ट्रिक से करेंगे, इसे ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हमारे पास n कितना दिया हुआ है, n 5 है, कौन कौन से नंबर्स हैं वो हमारे पास 1 3 5 7 और 9, आंसर कितना आया था 25। इसी 25 को हम कैसे ट्रिक से करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे n स्क्वेयर, यानी कि n कितने नंबर्स हैं, कितने और नंबर का आप निकालना चाहते हो उसका स्क्वेयर कर लो तो उसका सम निकल आएगा। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट, जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट 5 और नंबर्स लिए तो फर्स्ट 5 और नंबर्स का सम होता है 5 का स्क्वेयर, क्योंकि n कितना है हमारे पास 5 ही होगा, फर्स्ट 5 और नंबर्स हैं तो n तो 5 ही हुआ ना, तो 5 का स्क्वेयर 25, सिंपल। 6 का 36, 6 और नंबर कौन से होंगे 1 3 5 7 9 और 11, तो इनका सम करने पर 36 आएगा। तो इस तरह से ये ट्रिक्स का यूज़ करके आप टाइम को बचा कर एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।